बात होने जा रही इंटरफेरेंस इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट हमने बताया था इंटरफ्रेंस क्या होता है क्या कहा गया था कि अगर दो डिटो सेम फ्रिक्वेंसी अब डिटो सेम तो लिखते नहीं हम सेम फ्रिक्वेंसी लिखते हैं एकदम है सेम जब दो सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट वेव किसी मीडियम में चलती हैं तो उनके सुपर पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी इंटेंसिटी दोनों के द्वारा प्रोड्यूस इंटेंसिटी के वेक्टर सम से कुछ डिफरेंट होती है या सम से कुछ डिफरेंट होती है वेक्टर ना बोलिए तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसको हम क्या कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थोड़ी थ्योरी लिख लीजिएगा इसकी थोड़ी इंटरफेरेंस की वेन टू वेन टू लाइट वेव्स वेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी वेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बोली सेम फ्रिक्वेंसी move in a medium, move in a medium, travel in a medium, travel in a medium, then at any point, at any point, the resultant intensity, the resultant intensity <clears throat> produced by the wave, produced by the wave,

दूसरे की आई टू है मान ली दो टार्च हैं आपके पास एक की बल्ब की बल्ब की इंटेंसिटी आई वन थी एक की आई टू थी दोनों को जला के आपने कहीं पर लाइट डाली अरे भाई बाद में बात कर लीजिएगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए तो देखा इससे चेंज आ रही थी मतलब तो जो रिजल्टेंट थी वो इसके इक्वल नहीं थी या या तो इसके बराबर थी या इससे बड़ी थी या इससे कम थी इसकी ठीक दोनों का डिफरेंस भी कम थी ठीक है तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसी को हम कहते हैं दिस प्रिंसिपल इज नोन एज दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इंटरफ्रेंस ऑफ फ्लाइट दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इंटरफ्रेंस ऑफ फ्लाइट सेम फ्रिक्वेंसी की ही डाल रहे हैं हम नहीं डिफरेंट तो उनके अंदर सुपरवन होगा ही नहीं ना वो दोनों मिलनी चाहिए ना सेम फेस में आकर के कहीं सेम फेस में मिले कहीं अपोजिट फेस में मिलनी चाहिए ना सेम फ्रिक्वेंसी क्यों होनी चाहिए अभी ना लिखिएगा मैथमेटिकल प्रूफ कराया जाएगा पर आप चेंज करके लिखिए द पॉइंट वेयर द इज मैक्सिमम द पॉइंट वेयर द इज मैक्सिमम कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and the point where the intensity is minimum called destructive interference जहाँ पर अधिकतम तीव्रता होती है उसको हम संपोषी व्यतीकरण कहते हैं और जहाँ न्यूनतम होती है उसको हम विनाशी व्यतीकरण कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस अब देखिए दो लाइट वेव हम ले रहे हैं जहाँ पर आपने लिखा ना लाइट वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो जैसे अब आप एक जीरो वाट का बल्ब लिया लाल कलर का या सेम किसी उसी फ्रिक्वेंसी का आपने एक हज़ार वाट का ले लिया और दोनों को ऐसे डाल रहे हैं देखिए इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या होगी तो जीरो वहाँ का दिखाएगा जा करके तो लगभग लगभग एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए नियरली ठीक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ठीक है अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं हमने कहा सपोज़ दो लाइट वेव हैं और दोनों की इंटेंस दोनों की जो एम्पलीट्यूड है एवन और ए टू ठीक है और दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है और किसी मीडियम में चल रहे हैं तो लिखिए पैराग्राफ चेंज कर लिखिए लेट टू लाइट वेव्स लेट टू लाइट वेव्स हम यहाँ पर इंटरफ्रेंस का वो डायग्राम नहीं समझा रहे क्योंकि हेडिंग कुछ और हमने डलवाई है दैट द टू लाइट वेव आप सेम फ्रीक्वेंसी आप सेम फ्रीक्वेंसी, एफ आप सेम फ्रीक्वेंसी एफ एंड एम्पलीट्यूड्स ए वन एंड ए टू एंड एम्पलीट्यूड ए वन एंड ए टू आर मूविंग इन अ मीडियम आर मूविंग इन अ मीडियम मूविंग इन अ मीडियम अब जब मीडियम में चलेगी तो भौकाल टाइट करेंगे रास्ते में जो पार्टिकल आएगा उसको डिस्टर्ब करेंगी अब मालिक कोई एक पार्टकिल था एक वेव गई उसको एक ठोकर मारी ये पार्टकिल पहुँच गया यहाँ इसको क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल कहाँ पहुँचा है यहाँ पहुँचा है ना दूसरी वेव गई फेस को ठोकर मारी थोड़ा और आगे चला गया तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू तो दोनों वेव जाकर के किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो लिखिए लेट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड लेट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दीज वेव्स बाय दीज वेव्स एट एनी पॉइंट बी वाई वन एंड वाई टू माना इन तरंगों द्वारा किसी क्षण किसी कण का विस्थापन वाई वन और वाई टू है वाई वन एंड वाई टू एंड फाइव इज द फेज डिफरेंस ऑफ द वेब एंड फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेब देन देखो तो वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा ए वन साइन ओमेगा टी अब देखो ध्यान से हमारी जो वेव इक्वेशन पढ़ाई गई थी प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन तो आपने एलेवेंथ पढ़ी होगी उसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था बुक में भी आपकी माइनस के एक्स लिखा हुआ है लेकिन ये के एक्स डिस्टर्ब करेगा तो हम वो पार्ट के लिए ओरिजिन पे मान के चल रहे हैं एक्स को हम क्या मान के चल रहे हैं जीरो जिससे कि वो डिस्टर्ब ना करे आपको ठीक है इसलिए हम नहीं मान रहे बुक में लिखा है के एक्स आप ब लिखिएगा और दूसरे पार्ट और दूसरी वेव ने कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा या माइनस फाइव होगा दोनों के बीच फेज डिफरेंस है मतलब ये थोड़ी देर बाद इसके उस पार्टिकल पे पहुंची है ठीक है अब दोनों के द्वारा जो रिजल्टेंट वेव उत्पन्न हुई तो बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत से द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट परिणामी विस्थापन वाई जी को क्या होगा वाई वन प्लस वाई टू रखो उठा करके ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अब रिजल्टेंट देखिए ये आपकी साइनसोइडल वेव है साइन का ग्राफ इससे मिल रहा है ये भी साइनस है तो दोनों के मिलने से भी जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा साइनस मिलेगा कैसे एक आप एक पार्टिकल हैं मास्टर के उसका थप्पड़ एक वेव है बोले हैं वो चार दिन चले गए जब थप्पड़ हो तो वेब कहेगा थप्पड़ ऐसे ऐसे पीट पिटाई हो रही है आपकी तो आपका सर ऐसे ही हिल रहा है एक और मास्टर ऐसे ऐसे खोपड़ी कर रहा है तो ऐसे सही हिल रहा है तो रिजल्टेंट ऐसे ही सहलेगा सर कैसे हिलेगा ऐसे हिलेगा ना अब माना ऐसे ही से मुंह पे पंच मारे जा रहे हैं तो आपका मुंह ऐसे ऐसे हिलेगा दूसरा भी ऐसे पंच मार रहा है तो मुंह और तेज़ हिलेगा तो ऐसे ही लेगा ना या वो किसी तरीके किस से हिलेगा इस पर बहुत स्टडी की हमारे एक साइंटिस्ट थे नाम मुझे अभी याद आ जाएगा ठीक है उन्होंने कहा कि अगर एक ऐसे पंच मारे और एक ऐसे पंच मारे तो आपका मुंह किसी रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा किसी और तरफ जाएगा ना तो उन्होंने कई लेसानज साहब थे तो बड़े क्लास में जाएंगे सेम कन्सेप्ट होगा वहाँ लिसानजियस फिगर पढ़ाया जाएगा अभी लिसानजियस नहीं है अभी साइन वेव का जो रिजल्टेंट वेव होगा वो भी साइन होनी चाहिए इसको ज़रा कैलकुलेट करिएगा यानी दोनों वेव के इफेक्ट से दोनों वेव क्या कर रही हैं मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रही हैं तो मीडियम पार्टिकल दोनों वेव के कारण एक नए प्रकार की वेव उसमें उत्पन्न हुई होगी एक रिजल्टिंग वेव वही निकालने जा रहे हैं ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए ठीक है अब चूंकि सी बी एस ई में ट्रीनोमैटी बहुत हलवा है उसमें टेंथ लेवल में ठीक है एलेवेंथ क्लास मैथमेटिक्स में है तो जानते होंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉज फाइव प्लस कॉज ओमेगा टी इंटू साइन तो ए वन साइन ओमेगा प्लस ब्रैकेट खोल दीजिए उठा करके ए टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव ठीक है पहुंचे यहाँ तक ऊपर रब करेंगे देखिए अब कुछ कल उसने देखिए यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है साइन ओमेगा टी तो वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ ले लो साइड ओमेगा टी अंदर क्या बचेगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव चूंकि जो रिजल्टिंग वेव है वो साइनोसाइडल होनी चाहिए साइन के टर्म में आनी चाहिए ठीक है क्योंकि इस प्रकार से साइन वेव ने जाकर के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया दो साइन वेव तो रिजल्टेंट भी क्या होगा साइन वेव होगा तो कुछ दिमाग लगाते हैं हम हमने यहाँ क्या किया ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को मान लिया आर कॉस थीटा क्यों माना अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन और ए टू साइन फाइव को मान लिया हमने आर साइन थीटा क्यों माना अरे बोले क्यों माना क्या बुक में लिखा है इसलिए माना गो तुम तो साइंटिस्ट होगा देखिए माना इसलिए गया है कि दो साइनसॉइडल वेव का रिजल्टिंग साइनसॉइडल होगा तो जब हम इसको कॉज मानेंगे ना तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ठीक है सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई इज इक्वल टू आएगा साइन ओमेगा टी और इसको आपने क्या माना है आर कॉस थीटा प्लस ए टू साइन फाइव को माना है आपने ये है कॉज ओमेगा टी इन आर साइन थीटा अगर हम यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी तो ये बन गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस थीटा तो ये आपका रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है आर क्या है आर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव आर यहां पर क्या है आर इज द एम्प्लीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, रिजल्टिंग वेव, ठीक पहुंचिए जरा ये जो आर कॉज आर साइन हमने एज्यूम किया है ठीक है क्योंकि रिजल्टिंग वेव साइन होगी ना भाई देखिए दो तीन जब जब वेव चल रही होगी तो इक्वेशन थोड़ी देख रही है हमारा क्या इक्वेशन है वो तो हम बनाए हैं ना एक मिनट भाई आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो जब हम हम जो डिस्कस यहाँ पूछिए बोर्ड में लिखा हुआ है देखिए अगर एक साइन वेव चल रही है ऐसे साइन वेव मतलब साइन ऐसे वेव चलती है एक ऐसे वेव चल रही है तो अगर रास्ते में पार्टिकल को भी तो ऐसे डिस्टर्ब करेगी वो और दूसरी साइन वेव फिर डिस्टर्ब करेगी तो रिजल्टिंग वेव कैसे बनेगी ऐसी बनेगी आपकी नहीं बनेगी तो आपको रिजल्टिंग वेव साइन चाहिए साइन चाहने के लिए आपने माना भैया अगर आपने इसको आर साइन मान लिया होता इसको आर कॉज मान लिया होता तो साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज भी कॉज ए माइनस बी का फॉमला हो जाता है आपको मानना पड़ेगा वेव नहीं नहीं वो सही नहीं होता वो तो कॉज की साइन वी की क्वेश्चन हो जाएगी वेव आपकी साइन साइनोसाइडर है ना तो प्रैक्टिकली बताइएगा एक रस्सी एक आपने रस्सी लिया ध्यान समझिएगा रस्सी में एक आपने ऐसे रस्सी लिया और आपने क्या किया यहाँ पर एक पार्टिकिल लिया और आपने यहाँ पर एक वेब ऐसे किया तो ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा आप बार बार से झटकी तो रिजल्टिंग वेव जो पार्टिकल पार्टिकलर साइनसाइडल जैसे वेव जा रही थी वैसे तो रोटेट करेगा कि कॉज वाली इक्वेशन देगा आपको तो आपकी रिजल्टिंग वेब साइन के टर्म में ही आएगी कॉज के टर्म में नहीं लेनी है ठीक है आपको ऐसी लानी पड़ेगी आपको एज्यूम करना पड़ेगा तो आर आ गया आपको निकालना क्या है इंटेंसिटी निकालना है चलते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एलेवेंथ क्लास बोले फिर वहीं पहुंच गए हड़प्पा की खुदाई जैसे होता नहीं हड़प्पा खुदा जैसे ना मोहन जोदाड़ो हड़प्पा जैसे वहाँ से निकला हुआ है तो वहाँ पर आपको एनर्जी आप सिंपल हारमोनिक मोशन में पढ़ाया गया होगा वहाँ पर इंटेंसिटी पढ़ाया गया था इज प्रपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ एम्प्टीट्यूड याद है याद तो है लेकिन ये ना पूछना कैसे आया ये याद है तो ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गया ना रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है ना तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो आर स्क्वायर कैसे निकलेगा इन दोनों इक्वेश्स को स्क्वायर करके एड कर देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन और टू समीकरण एक और दो को वर्क करके जोड़ने पर तो इधर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा डाइड कर दें इसका होल स्क्वायर खोलते हैं हम तो क्या आएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ये ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ठीक है ये नोट कर लिया ना ऊपर का नोटेड तो सिंह साहब सुन सो बात हमने ऐसा क्यों एज्यूम किया है ये हम देख रहे हैं ना कि साइन की वे भी चल रही है अब देखो कॉज स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ए टू स्क्वायर कॉमन तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव अब आपको रिजल्टिंग वेव का इंटेंसिटी चाहिए इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता छोड़िए काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल थी दोनों को ऐड किया था तो वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला आया था उसमें ए स्क्वायर भी आया था तो उसमें बताया गया था कि एनर्जी पर यूनिट एरिया को कहते हैं इंटेंसिटी भाई जैसे किसी को थप्पड़ मारा गया मास्टर बाबा वही एग्जाम लेता है तो एक ने कहा भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ा मारे जैसे लागत थोड़ा एक का लामा तो सर झन्ना का, का है एनर्जी पर यूनिट एरिया एक का मुँह इतना बढ़ा रहा है जगह पर तो एरिया हो गई ज़्यादा तो हमने जो एनर्जी सप्लाई की उसकी गाल की एरिया से डिवाइड हो गया और एक का मुँह इतना बड़ा रहे एरिया है कम तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया एरिया कम होगी तो एनर्जी कैसी होगी ज़्यादा होगी तो उसका खोपड़ी झन्ना जाएगी और जिसका मुँह बड़ा सा है तो बड़ा मुँह होने से फायदा भी होता है नहीं फायदे कई होते हैं वो तो फिलहाल फायदा होता है तो इंटेंसिटी निकाले जा रहे हैं अब अगर हम कह दें इंटेंसिटी का फॉर्मूला प्रूव करो एलेवेंथ वाला कितने लोग प्रूव कर लेंगे हम कह भी देंगे अरे बोले छोड़ो भाई इंटर की बात करो यार कहाँ पुरानी बातें इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव रिजल्टिंग वेव आई प्रपोशनेट आर स्क्वायर आपने पढ़ा है जब प्रपोशनेट का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं हम ये के हर जगह वही वाला नहीं है कैमरा बराबर वन पार, फोर पॉइंट वाला कर दो कहीं को जैसे कहीं कहीं के यूज़ करते हैं ना अपने कुछ फार्मूले में ये के मतलब कोई भी काका हो सकते हैं आर स्क्वायर बोले तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव जरा के को अंदर ले जाते हैं ये एलेवेंथ में भी प्रूफ था ठीक है इसमें बस दो स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे बस इतना ही है तो के को अंदर ले जाओ के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू के ए वन ए टू कॉस फाइव ए वन क्या है व्हाट इज एवन ए वन क्या चीज़ है एम्प्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव तो के ए वन स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव नहीं हो जाएगी यहां भी स्क्वायर नहीं दिया है तो दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा स्क्वायर बनाते हैं हम तो के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर के ए वन स्क्वायर कर दूं इंटू के ए टू स्क्वायर कर दूं कोई दिक्कत ये बनाने के लिए और इंटू कॉस फाइव के ए वन स्क्वायर इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव के ए टू स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव तो इसको क्या ले सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस आए आए टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव ये इंटेंसिटी हो गया इंटरफ्रेंस की जो डेफिनेशन लिखाई गई क्या बताया गया कि इंटेंसिटी किसके कल होनी चाहिए आई वन प्लस आई टू के अब देखिए आई वन प्लस आई टू से कोई भिन्न आ रहा है डिफरेंट नहीं आ रहा है तो इसी को इंटरफ्रेंस कहते हैं ये मैथमेटिकली प्रूव किया गया इसमें कुछ साइंस साइंस नहीं थी बाद में थॉमस यंग साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने कल जो बताया था तब उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि ऐसा होता है ठीक है नोट करिए यानी कुल मिलाकर के रिजल्टिंग वेव किस पर डिपेंड कर रही है फेज डिफरेंस पे कॉज फाइव भी कर रही फेज डिफरेंस पे कि किस फेज में जाकर के वो दोनों वेब मिलती हैं भाई जैसे एक वेब ने इस प्रकार से पुश किया मैं थप्पड़ नहीं मार रहा हूँ वेव ऐसे पुश कर रही है ठीक है और दूसरी वेब साथ ही आके पुश करना शुरू कर दे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा घट जाएगा बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी एक वेब ने ऐसे पुश किया और एक ने उल्टा पुश किया तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी ठीक है तो यानी कुल मिलाकर के दारो मदार इस फाइव की है तो लिख लो दिस शोज दैट दिस शोज दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट ए पॉइंट इससे सिद्ध होता है कि परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों के कलांतर पर निर्भर करती है फेज डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू waves अब कहां पर मैक्सिमम होगा कहां पर मिनिमम होगा कौन डिसाइड करेगा फाइव डिसाइड करेगा तो यहां पर स्पेशल केसेस स्पेशल केसेस पहला केस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हिंदी में संपोषी व्यतीकरण है ना कॉन्स्ट्रक्टिव को मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए कॉस फाई की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होती है वन तो फाई की वैल्यू वन कब होती है तो आप कहेंगे जीरो डिग्री की वन होती है और टू पाई की वन होती है और फोर पाई की वन होती है यानी कि इसको हम कह सकते हैं टू एम पाई की वैल्यू वन होती है और एम की वैल्यू क्या लिखेंगे आप ज़ीरो वन टू एंड सो वन ये वो फेज डिफरेंस है याद रखिएगा बहुत बार बार पूछे जाते हैं ये वो फेज डिफरेंस है जब दोनों की इंटेंसिटी कैसी होगी मैक्सिमम होगी होगी कितनी तो जब हम आई मैक्स निकालेंगे तो क्या आएगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू नोट कर लिया नीचे तो ये एक्चुअली लिखा क्या है ये लिखा है आपका आई वन बोले तो नहीं यह लिखा है रूड आई वन प्लस रूड आई टू का होल स्क्वायर तो अगर आपको दोनों वेव की इंटेंसिटी दी हुई है तो ये रिजल्ट निकालने का तरीका आपका आ गया ठीक है अच्छा आप चाहो तो आई वन को क्या ले सकते हैं के ए वन हो जाएगा आई वन तो रूट के अंदर है ना नहीं सॉरी रूड के ए वन स्क्वायर प्लस रूड के ए टू स्क्वायर का होल स्क्वायर के बाहर निकाल लो तो के अंदर क्या बचेगा ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया लेकिन इससे अगर ए वन ए टू दिया होगा तो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं निकल पाएगी के फंसेगा ना तो के को अभी हम बाद में बात करते हैं नोट करिए अब दूसरा केस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस यहीं पे डिस्ट्रक्टिव करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस डिस्ट्रक्टिव को मतलब होता है विनाशी व्यती का नासी हो जाए नहीं मतलब ऐसा नहीं मतलब तो यानी कि यह या, ये कॉज फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम और मिनिमम क्या होती है इसकी वैल्यू माइनस वन तो माइनस वन कौन कौन सी वैल्यू होती है फाइव की वैल्यू तो बताइए माइनस कब होता है जब फाई पाई हो या थ्री पाई हो या फोर पाई हो सॉरी फाइव पाई हो इस ये ऑड मल्टीपल है ना इसको लिखेंगे टू एम माइनस वन पाई एक बात खास हम इसको टू एम प्लस वन ले सकते हैं लेकिन टू एम प्लस वन लिखेंगे तो एम स्टार्ट होगा जीरो से एम ज़ीरो हम मिनिमा नहीं ले सकते हैं एम जीरो मतलब सेंट्रल और सेंट्रल हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल विस्टा में रहेगी है बढ़िया आठ हज़ार करोड़ का प्लेन तो वहाँ मिनिमा नहीं हो सकता है नींद आ रही क्या तो एम क्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ वन टू थ्री एंड सो वन तो आई मिनिमा क्या होगा यहाँ रास्ते में क्या लग जाएगा माइनस यहाँ 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 क्या, क्या हो जाएगा मिनिमा अरे वाह अच्छा एक काम कर सकते हैं ये नोट लगा दो लिखो पहले वाले प्रूफ में सभी प्लस को माइनस नहीं सभी प्लस को माइनस कर नहीं सकते ये तो गड़बड़ हो जाएगा कर ही लो ज़्यादा ठीक होगा नोट करिए अब हमने कहा अगर दोनों वेव का आई वन आई टू दिया हो तो मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं ना लेकिन मान मानिए एम्पलीट्यूड दिया हो तो नहीं निकाल सकते क्योंकि क्या गड़बड़ करेगा तो हम एक फार्मूला यहाँ बनाएंगे एक नोट लिखिएगा आई मैक्स और आई मिन का रेशियो पूछा जाता है अक्सर क्या होगा ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपान ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर ये आता ज्यादातर तो कभी कभी एम्पलीट्यूड दे, दे देंगे इसका रेशियो पूछ लेंगे कभी कभी ये दे, दे देंगे वन ए टू का रेशियो पूछ लेंगे वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन होगी ठीक है तो ये आपका इंटरफ्रेंस हो गया जा करके अब जरा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा आपने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए फेस डिफरेंस होना चाहिए टू एम पाई फेस डिफरेंस लेकिन हो सकता है पाथ डिफरेंस दिया हो तो वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ए क्लास अलेवेंथ देर वॉज ए रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस याद है नहीं याद है चले मैं याद करा देता हूं आपको देखो ध्यान से एक वेब यहां से चली शांत रहिए एक वेब यहां से चली तो यहां पर एंगल हम क्या मानेंगे जीरो डिग्री और ये वेब यहां से यहां गई कितने एंगल से घूम गई पाई दिख रहा है आपको टू पाई से घूम रही है ना क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ वाले पार्टिकल और यहाँ वाले पार्टिकल में फेस डिफरेंस टू पाई का है कह सकता हूँ ना इनके बीच की दूरी कितनी है बोले कोई भी हो नाप लो ऐसे इसके अलग के? कितनी दूरी है इसके इसके बीच कितनी डिस्टेंस दिख रही है आपको आइडिया लगा रहे हो वेवल नहीं तुम्हारी लैमडा है लेमडा है, लेम्डा है। तो आप कह सकते हैं कि जिसमें फेज डिफरेंस टू पाई है तो पाथ डिफरेंस लैमडा है कह सकते हैं ना फेज मतलब कलांतर ये पथांतर तो आप कहेंगे कि वेन फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस इज टू पाई देन पाथ डिफरेंस पाथ रास्ते का डिफरेंस कितना है लेमडा वेन फेज डिफरेंस इज वन देन लैमडा अपान टू पाई और वेन फेस डिफरेंसिस डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस को फाइव से लिखते हैं ना देन पाथ डिफरेंसिसमडा अपान टू पाई इंटू डेल्टा फाइव ये है डेल्टा एक्स ठीक है तो ये हो गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैमडा अपान टू पाई इंटू डेल्टा फाइव ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पे रिलेशन है ये इस मैथड को क्या कहते हैं यूनिट्री मैथड वही यूनिटी मैसेज लगा दिया हमने उठा करके याद भी रहेगा बोले ये ना याद रहो तो तो बाहर जाओ ना करो जब ये भी नहीं याद होगा तो क्या याद होगा ये तो वेव के बारे में हम जानते हैं ना नोट करिए इसको फिर हम कुछ और बातें करें इसमें वी नो दैट लिख दो अब जानते तो नहीं हो तुम लेकिन लिखा यही जाता है वी नो दैट वी नो दैट पहले वी नो दैट लिखेंगे बगल बाल पूछेंगे होता इसका अंतर क्या होगा तो बोलिए जब तुमको मालूम था वी नो दैट क्या लिखे हो तो फिलहाल लिख दो वी नो दैट ये जो आइजन लगा के आप लिखते हैं ना आइजन कहते हैं ना इनको ये अपने लिए होता है ध्यान रखिएगा जब एग्जाम में करेंगे तो पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए आपको ये अपने लिए केवल होता है वहाँ भी दूसरों के लिए कर दोगे बोले मास्टर अपने इतना ही हम, हम हमारे यहाँ टीचर्स हैं उनके लिए भी लगा देते हैं वो चेक कर देते हैं वैसे लिख लिया अब जरा देखिए ध्यान से हम बताना क्या चाहते थे देखिए हमने क्या लिखाया हमने कहा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैमडा अपान टू पाई इंटू डेल्टा फाई कन्फ्यूज मत होइएगा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू पाई अपान लैमडा इंटू डेल्टा एक्स लिखा हो तो माने आपने पढ़ा टू पाई अपन लैमडा कहीं देखो बाज पे गलत पढ़ा है नैन पढ़ाई सिरा है लेमडा अपान टू पाई होता है टू पाई पान लैमडा अरे उल्टा लिखा हुआ है ये ध्यान रखना नहीं कभी कभी दिक्कत हो जाती है अब जरा देखिएगा अभी हमने फर्स्ट केस बताया है फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने फेस डिफरेंस क्या बताया है टू एम पाई बताया है ना टू एम पाई जहां की वैल्यू हमने क्या बताई है जीरो वन टू एंड सो वन तो पाथ डिफरेंस क्या होगा लैमडा अपॉन टू पाई इंटू डेल्टा फाइ यानी कि चूंकि हम जब कोई अब आगे प्रूफ करेंगे ना दो वेब खींचेंगे तो दो वेब का एंगल नापने में दिक्कत होगी ना एंगल नापने के लिए पहले वेब बताओ और डिस्टेंस नापने के लिए हम लम्बाई नाप लेंगे तो पाथ नापना आसान होगा ना तो यानी कि आएगा या लैमडा अपन टू पाई इन टू टू एम पाई तो ये एम लैमडा आ जाएगा यानी कि क्या होगा जीरो लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा एंड ये पार्ट डिफरेंस होगा यही यूज़ होगा बार बार कि फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी एम लेमडा ठीक है कहां से आया वो हमने बता दिया दूसरा केस पहले पहला क्वेश्चन लिखिएगा दूसरा केस है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहें एफ ई आर ई एन सी ई या मिनिमम इंटेंसिटी कहें लैंग्वेज चेंज हो सकती है ठीक है उसके लिए हमने फेज डिफरेंस क्या बताया टू एम माइनस वन पाई बताया है ना तो पाथ डिफरेंस क्या होगा लैमडा अपान टू पाई इंटू टू एम माइनस वन इंटू पाई 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 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया टू एम माइनस वन लैमडा बाई टू और एम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की थी हमने वन टू थ्री एंड सो वन रखो क्या आएगा ये लैमडा बाई टू आएगा थ्री लेमडा बाई टू आएगा फाइव लैमडा बाई टू आएगा तो आगे चल के यही इस्तेमाल होगा बार बार कि दो वेव के बीच अगर फेज डिफरेंस पाँच डिफरेंस ये है तो मिनिमा और एम लेमडा है तो मैक्सिमा कैसा रहा टॉपिक नोट कर लीजिएगा